नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल से अपने राजदूत और बाकी राजनयिकों को वापस बुला लिया। इजराइल और गाजा के बीच महायुद्ध को अब एक महीना पूरा हो गया और गाजा से अपडेट यह है कि इजराइल की सेना अब इतनी अंदर घुस गई कि उसने गाजा पट्टी को दो हिस्सों में काट डाला। सवाल यह है कि अब हमास आगे करेगा तो क्या कुछ करेगा। इज़राइल और हमास का युद्ध, जंग का एक महीना पूरा हुआ और इस एक महीने में इतना खून खराबा हुआ कि दोनों तरफ मिलाकर 12,000 लाशें गिर चुकी हैं। अब इज़राइल का ऐसा हमला कि गाजा को काट दिया हाफ और हमास का किस्सा 100% साफ। यही इज़राइल का मकसद है, यही इज़राइल का इरादा है। इज़राइल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है। या कहें कि गाजा को दो हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा, इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उत्तरी गाजा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां गाजा के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन इस वक्त इजराइल से पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गाजा पर बमबारी को रोका जाए, यानी सीज फायर हो। एक महीने के युद्ध को लेकर इजराइल कहां पास हुआ है, कहां फेल हुआ है? 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के दो मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसमें इजराइल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। दूसरा, इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजराइल फेल ही साबित हुआ है। अमेरिका भले ही खुलकर इजराइल के हमलों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी सीज फायर चाहता है। ऐसे में अब तक इजराइल को सिवाय हमास के कुछ कमांडरों के मारे जाने, बंकर तबाह करने से और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। इजराइल ने गाजा को कैसे दो हिस्सों में काट कर रख दिया है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस युद्ध की अगली लड़ाई और आने वाला खतरा पता चलेगा। इजराइल ने ठान ली है कि गाजा का नामो निशान मिटा देगा। गाजा के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो उत्तरी इलाका, ये गाजा है और यहां पर आप इजराइल देखेंगे, उधर मेडिटेरियन सी है। गाजा के उत्तरी इलाके में पूरी तरीके से सेना को तैनात कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी सेना की तैनाती की गई है। इस वक्त इजराइल में सेना मौजूद है, उसने उत्तर शोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर तक दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये उत्तर शोर आप देखेंगे और यहां पर दक्षिण शोर भी देखिए, और अगर आप देखें तो उत्तर का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से दक्षिण के इलाके से कट गया है। और शायद इसी को लेकर जो इजराइल के सेना के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब गाजा एक देश नहीं रहा बल्कि दो दो देशों में बंट चुका है।
वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तरी छोर दक्षिणी छोर से पूरी तरीके से कट चुका है और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर यानी कि यहां तक पहुंच गई है। न सिर्फ इतना, यानी कि अब एक बात समझिए कि जो उत्तरी गाजा है और दक्षिणी गाजा है वो पूरी तरीके से इनका कनेक्शन टूट चुका है, आपस में पूरी तरीके से कट चुके हैं। बीच में इजराइल की फोर्स यहां पर मौजूद है और यहां पर गाजा में तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। ये जो इलाका आप बीच का देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। उत्तरी गाजा पूरी तरीके से इजरायली फोर्सेस से, जो नीला इलाका आप देख रहे हैं, घिरा हुआ है। यहां भी इजराइल की सेना है और यहां पर भी अगर आप देखें तो इजरायली सेना है, यानी कि चारों तरफ से इजराइल की फौजों ने गाजा को घेरा हुआ है। यहीं पर गाजा के तीन बड़े अस्पताल हैं, अल शिफा अस्पताल। इस अस्पताल के बारे में आप जानते हैं कि यहां पर हमास के तमाम बंकर्स के होने का दावा किया जा रहा है और इन तमाम बंकर्स में कई आतंकवादी ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं। उनकी सेना को मदद में लाए जाने वाले जो तमाम हथियार हैं वो भी यहां हो सकते हैं। और इसके अलावा अल कुद अस्पताल यहां पर है। वहीं अगर एक और इंडोनेशियाई अस्पताल की बात करें तो वो भी यहां पर है, जिनका इस्तेमाल हमास के तमाम आतंकवादी ढाल के तौर पर भी करते हैं। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है और अब इजराइल की सेना यहां बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन इजराइल का दावा है कि इन अस्पतालों में हमास के अड्डे हैं, इसलिए वो आसपास हमास के अड्डों को टारगेट कर रहा है। Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital, then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we exposed the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. इन्हीं अस्पतालों के बीच इजराइल बमबारी तेज हो गई है। इजराइल अब इन अस्पतालों के आसपास लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे ही कई हमलों के बाद हमास ने भी जवाबी कार्रवाई की और उत्तरी इजराइल में कई शहर उसके टारगेट बने। रात हो या दिन, 2400 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडीएफ के, और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इजराइल की तरफ, और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का, वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है। धमाके लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुब्बार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। हमास के रॉकेट को रोकने का दबाव बहुत ज्यादा है और अब हिजबुल्ला की तरफ से भी जो प्रेशर आया है उसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं झेल पा रहा। इस वीडियो को देखिए जिसमें आयरन डोम से निकली मिसाइल फेल हो गई और लौटकर वापस इजराइल में ही आ गिरी। इस वीडियो से पता चलता है कि अब आयरन डोम बहुत ज्यादा दबाव में है। आयरन डोम 2400 घंटे काम कर रहा है, लेकिन ये भी एक मशीन है और मशीन भी थक जाती है। रॉकेट हमलों के बीच इजराइल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के अड्डे बने हुए हैं, जहां हथियारों से लेकर फ्यूल सब कुछ छुपा कर रखा जाता है, लेकिन इजराइल अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। हमास इज हाइडिंग बिहाइंड हॉस्पिटल्स, हमास इज सिकली एक्सप्लॉइटिंग हॉस्पिटल्स टू डिस्गाइज इट्स वॉर मशीन। आवर वॉर इज विद हमास, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat.